गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हेलो. गुड मॉर्निंग मैडम. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. और कैसे हो? आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ, मुझे तो आ रही है. अभी कितने लोग ज्वाइन किए हैं? तो कहाँ, अभी 5-6 लोग हुए. हेलो सृष्टि. हेलो. गुड मॉर्निंग सर. यस सर. कहाँ है सब? ज्वाइन करो. गुड मॉर्निंग सर. गुड गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग और सर. कैसे हो? ठीक है सर. ठीक है. अब कैसा है तुम्हारा यस सर. कोरोना का हाल तुम्हारे यहाँ? सर हम तो रांची में फंसे हुए हैं सर. रांची में? वहां तो पूरा ठीक हो है, रहा है यहाँ भी लेकिन रेड जोन में है सर रांची. तो वहां क्यों गए थे तुम? तो यहाँ कॉलेज में थे. सर जैसे छुट्टी हुआ ना, वो चला गया एकदम. घर पे रहा अच्छा. नहीं जा रहा था इसको, बस चला गया. अब वहां जाके फंस गया. पास बना रहे हैं सर. डीएम तो ओके. बनवा लिए हम जाएंगे. और सब कहाँ है? 8 ही पार्टिसिपेट ज्वाइन किया. सबको बोल रहे हैं सर. सर बोल अभी रहे हैं मतलब क्या? तो 10-15 हम बोले थे. 8 आठ लोग सर. लोग और बताओ, लास्ट क्लास तुम लोगों कैसा रहा? बताए नहीं तुम लोग फीडबैक दी. वर्तिका कैसा सर. यस सर. था लास्ट क्लास? सॉयल वाटर का जो गेस्ट लेक्चर हुआ, अच्छा सर था वो सर. बुला दीजिए सर. मजा आया था अच्छा पढ़ के. कॉलेज तो और बुला चाहिए दीजिए कोई सर. टॉपिक सॉइल वाटर का तो बता देना, मतलब लिख के आपको टॉपिक स्लाइड बताओ. दिखाई दे क्या रहा है? हुआ? कुछ आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है. यस यस मैम. मैम. यस स्लाइड मैम दिख दिखाई रहा है दे मैम. रहा है. हाँ नोमेनक्लेचर टाइप एंड क्लासिफिकेशन. हाँ 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 चलो, ये गरिमा मैडम है, शी इज साइंटिस्ट आईसीआर डीसीएफआर. मॉर्निंग मॉर्निंग मैम. मैम. गुड मॉर्निंग. गुड शी इज मॉर्निंग आल्सो फ्रॉम बिहार. मैम. ठीक है. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. कोई हो छपरा के? छपरा का सर. नो सर. हाँ, तो ये बेसिकली फ्रॉम मधुबनी छपरा. ठीक है. तो अभी पोस्टेड है, अभी इसी साल पोस्टिंग हुई है आईसीआर डीसीएफआर में. कोल्ड वाटर फिशरी, डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरी रिसोर्स सेंटर है ना, भीमताल, सर. वहीं पे पोस्टिंग हुई है अभी. ये हाल ही लॉकडाउन से जस्ट पहले, लॉकडाउन में समझ लो एक तरह से. तो एफआरएम का ये टॉपिक है. और तुम लोगों कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और कोई एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए किसी टॉपिक पर तो भी बता सकते हो. ठीक है. और उस दिन की तरह जो भी पूछना है फ्रीली पूछना है, संकोच नहीं करना है. क्लियरली? यस सर. हाँ, ये मत सोचना कि हाँ नहीं पूछेंगे, हेजिटेशन हो रहा है. ठीक है, वो सब नहीं सोचना है. इन्हें जो आएगा, जैसे आएगा, जिस तरह से होगा, वो मैक्सिमम इफर्ट लगा के समझाएगी. नहीं होगा फिर चाहिए एक्स्ट्रा, और भी क्लास हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, तो ये सब मत सोचना. वर्तिका. यस सर. हाँ तो ठीक है, मतलब पूछना है जो भी डाउट है, जो भी अगर क्लास हुई है, अगर कोई तुमको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, या फिर प्रीवियस कोई भी टॉपिक हुआ है टैक्सोनॉमी में, उसमें कोई डाउट है तो भी पूछना है. ठीक है. ओके सर. यस सर. स्टार्ट करें. ठीक यस सर. है, चलो गरिमा स्टार्ट करो तुम अपना. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गुड मॉर्निंग. हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए? मिक्सअप. लिख दोनों कर लो. दोनों मैम.
अच्छा ठीक है, हिंदी ज्यादा सही है क्योंकि ये बहुत समझने वाले टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। यस मैम। और तुम लोग, क्लास बहुत छोटी होगी, 30 से 40 मिनट की ही होगी, ठीक है, तो इसलिए तुम लोग ध्यान से सुनना। ये टॉपिक जो है ना एफआरएम के लिए बहुत जरूरी है, अगर ये समझ आ गया ना तो एफआरएम का पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब वो डिपार्टमेंट का ही पूरा मतलब तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मेरा नाम गरिमा है और मेरी पोस्टिंग अभी अभी डीसीएफआर में हुई है, ठीक है। और मेरा ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ फिशरीज मैंगलोर से है, वो इंडिया का फर्स्ट फिशरीज कॉलेज है। और मेरा पीजी पीएचडी सीआईएफई मुंबई से है। कभी का टॉपिक शुरू करें? यस मैम। देखो, हो सके तुम लोग की क्लासेस हुई है टैक्सोनॉमी की अभी तक की नहीं, माइक तुम लोग अपना ऑन रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक, यस मैम, ऑन रखो तुम लोग। अभी तक कोई टैक्सोनॉमी की क्लास हुई है कि नहीं हुई है? कॉलेज में हुई है मैम। यस मैम, टैक्सोनॉमी की हुई है मैम। ठीक है, अगर हुई है तो हो सके अभी जितने टॉपिक होंगे उसमें से कुछ रिपीटेशन भी होगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स से। जैसे कि फिशरीज का मतलब, जो फिशरीज में, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और वो मेनली डील करता है टैक्सोनॉमी से, सिस्टमैटिक्स से और ओवरऑल फिशरीज के स्टडी से, ठीक है। तो इसमें जो टैक्सोनॉमी है वो इसका कोर है, इसलिए 2-3 कोर्सेज भी होते हैं टैक्सोनॉमी रिलेटेड। तो टैक्सोनॉमी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, तो ये एक वर्ड टैक्सिस जिसका मतलब अरेंजमेंट होता है और नोमस जिसका मतलब लॉ होता है, उससे डिराइव हुआ है और ये ग्रीक वर्ड है। मैक्सिमम जो डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़ते हैं ना टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स, ये सब ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड से डिराइव होते हैं क्योंकि उसको डेड लैंग्वेज मानते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टैक्सोनॉमी का बेसिक मतलब होता है कि रूल और लॉ ऑफ अरेंजमेंट, और ये टर्म दिया गया था कैंडोले के द्वारा 1813 में। ये सब क्वेश्चन वगैरह होते हैं ना, उसमें ये सब आता है क्वेश्चन कि लाइक ये टैक्सोनॉमी वर्ड कौन दिया है, कब दिया है, ऐसे टाइप से। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन ये है कि इट इज द थियरी ऑफ प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बाय फॉलोइंग सर्टेन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें मेनली क्या होता है कि हम लोगों के पास ऑलरेडी, हम लोग आगे देखेंगे ICZN, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वो जो है उसमें वो सब ऑलरेडी हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन है कि किस बेसिस पे हम लोगों को ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, कैसे हम लोगों को मतलब अलग अलग ग्रुप्स में रखना है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार हम लोग सिमिलैरिटीज देखते हैं कि अच्छा ठीक है, इस दो फिश में अगर ये सिमिलैरिटीज है तो वो सेम ग्रुप से हुए, या ये डिफरेंसेस हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से हुए। तो इसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों को डील करते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। देखो तो ये सब ना बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर तुम लोगों को क्लियर नहीं होगा ना तो फिर आगे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए तुम लोग क्लियरली बताओ, अगर कोई भी, तुम लोग माइक ऑन रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जो बोलना है बोल सकता है, बीच में भी इंटरप्ट करना है करो, ठीक है। उसके बाद टैक्सोनॉमी से जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है सिस्टमैटिक्स। जो सिस्टमैटिक्स है वो टैक्सोनॉमी से थोड़ा ब्रॉडर टर्म है और इसका एक पार्ट टैक्सोनॉमी भी है, लेकिन इसमें टैक्सोनॉमी के साथ डील करने के साथ साथ हम लोग रिलेशनशिप्स भी देखते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर स्पीसीज को डील नहीं करते हैं, इसका बाकी इसके जो साथ में स्पीसीज हैं सेम जीनस के या सेम फैमिली से, उससे भी कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कैसे किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, ये सारे स्टडीज होते हैं। और सिस्टमैटिक्स जो है उसमें जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी सारे स्टडीज आते हैं, मतलब कि ये बहुत ब्रॉडर टर्म है सिस्टमैटिक्स। तो जनरली क्या होता है ना कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में लोग ये करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो ये, इसमें ये समझना जरूरी है कि टैक्सोनॉमी इज पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 3 stages ऑफ टैक्सोनॉमी। इसमें अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, गामा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि जब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज को डील करते हैं, मतलब कि मान लो बहुत सारे आज के डेट में भी इंडियन वाटर या वर्ल्ड वाटर में या मरीन वाटर में ऐसे स्पीसीज हैं
जिसको आज तक आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर पाए, वो फर्स्ट टाइम मिल रहा है, मतलब अगर हम लोगों को वो स्पीसीज मिला तो पता ही नहीं है ये किस ग्रुप का है, और उसका जो नेचर है वो किसी भी फिश के ये से नहीं मिलता है, कैरेक्टर उसका किसी से भी नहीं मिलता है। तो वैसे केस में हम लोग ये कमांड कर सकते हैं कि ये न्यू स्पीसीज है जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ है। तो ऐसा जब हम लोग करते हैं, लेकिन चांसेस है कि ये इसका एग्जैक्ट कैरेक्टर किसी से नहीं मिल रहा है लेकिन कुछ मिलेगा, तो कुछ के बेसिस पे हम लोग को उसका जिनरा मिल जाता है, जीनस नाम एटलीस्ट डिसाइड हो जाता है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये न्यू स्पीसीज है। ऐसा हो सकता है कि हम लोग किसी ऑलरेडी एग्जिस्टेड उसको जिनरा में रख दें लेकिन वो स्पीसीज नया होता है, इसको बोलते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। तुम लोग को समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद है बीटा टैक्सोनॉमी, मतलब ये उससे थोड़ा ब्रॉडर है, जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना अल्फा बीटा और गामा, ये धीरे धीरे थोड़ा ब्रॉडर होते जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें केवल एक स्पीसीज को डील कर रहे थे अल्फा टैक्सोनॉमी में, बीटा टैक्सोनॉमी में हम लोग उसका रिलेशनशिप वर्कड आउट करते हैं कि बाकी स्पीसीज लेवल पे इसका क्या रिलेशन है, या हायर कैटेगरी जैसे जीनस या फैमिली लेवल ये किससे रिलेट कर रहा है। फिर गामा टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि और उससे मतलब ज्यादा एरिया कवर करना है। बीटा टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा ज्यादा कैटेगरी कवर करने लगते हैं। गामा टैक्सोनॉमी में इवन ऐसा भी होता है कि हम लोग दो इकोसिस्टम या दो रीजन को कवर करने लगते हैं। तो ये क्या है ना कि डिफरेंट स्टेज ऑफ टैक्सोनॉमी है, जैसे एक स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे फिर उसके ऊपर जीनस ऑर्डर या फैमिली में जाएंगे या फिर उससे ज्यादा दो रीजन को कवर करेंगे। तो ये होता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, उसके बाद है कि ठीक है अगर टैक्सोनॉमी का एग्जिस्टेंस है, मतलब फिशरीज में तो बहुत ही ज्यादा है, अगर हम लोग कोई भी रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा फिश है, मतलब कि बिना फिश के, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च यही होता है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिश, और कभी कभी कुछ कुछ केस में ये आइडेंटिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर कोई भी सोचेगा कि कोई भी फिश आइडेंटिफाई कर लेगा तो ऐसा नहीं होता है, उसका बहुत मतलब स्पेसिफिक होना है। तो इस हिसाब से देखते हैं कि टैक्सोनॉमिस्ट का जो प्रिंसिपल टास्क क्या होता है। तो जनरली जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं अगर हम लोग फिशरीज में देखें तो वो FRM डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है कि ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं फिश को, और उसके बाद उसका फॉर्मेशन और इवोल्यूशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, तुम लोग आगे अभी तक तुम लोग आइडेंटिफिकेशन की देखे हो एक भी फिश का? किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? यस सर। आइडेंटिफिकेशन की आज तक तुम लोग फिश का देखे हो? शिल्पी नाम दिखाई दे रहा है। Yes, ma'am. आज तक कोई आइडेंटिफिकेशन की देखी हो तुम फिश का? हाँ नहीं नहीं, अगर नहीं देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज ही प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं है कि तुमको सर्च करना है। ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि हम लोगों को मान लो अगर कोई फिश दे दिया जाए तो आइडेंटिफिकेशन की क्या होता है ना कि उसमें कैरेक्टर्स लिखे होते हैं फिश को, तो उसमें जैसे वो नॉर्मल नहीं है कि yes, ma'am, एक हुआ है, तो उसमें क्या होता है ना कि ऐसा तुम लोग देखे हो गो टू नंबर टू, फिर अगर ये कैरेक्टर है गो टू थ्री, अदरवाइज गो टू फोर, ऐसा तुम लोग किए हो कभी? नो मैम, मेरिस्टिक कैरेक्टर और मॉर्फोमेट्रिक वो प्रैक्टिकल में किए थे मैम, मेरिस्टिक नहीं नहीं चीज हुआ। देखो होता क्या है ना, इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन की में क्या होता है, पहले हम लोग को कोई जीनस दिया गया, मान लो फैमिली दिया गया, उसका कैरेक्टर लिस्ट किया रहता है वहाँ पे, ये है। तो कुछ कैरेक्टर है जो एक फैमिली के सारे स्पीसीज में मिलेंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर है जो केवल जीनस में ही मिलेंगे, कुछ कैरेक्टर है जो एक केवल स्पीसीज में ही मिलेगा। तो आइडेंटिफिकेशन की में क्या होता है ना कि पहले सारे कैरेक्टर लिखे होते हैं फैमिली के, उसके बाद क्या होता है कि वो और कैरेक्टर कुछ कम हो जाएंगे वो हो जाएंगे पर्टिकुलर जीनस के, और भी कैरेक्टर कुछ कम हो जाएंगे पर्टिकुलर स्पीसीज के। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग डिडक्टिव प्रोसीजर है ये, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं और एक स्पीसीज तक पहुंचते पहुंचते हम लोग बहुत प्रिसाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये
होगा, ये तुम लोग सर्वेंद्र सर से मांगना, उनके पास है आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन की का यूज करने आना चाहिए, क्योंकि वो सब बेस्ट मेथड है किसी भी फिश को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को किसी एक ग्रुप या एक कैटेगरी में रखेंगे कि ठीक है ये कैरेक्टर है, तो ये इस जीनस का हो गया, ये इस स्पीसीज को हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ये तुम लोगों को समझ आया? जो हम स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं बहुत सारे कैरेक्टर से होते होते स्पेसिफिक कैरेक्टर तक, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जब हम लोग उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप या कैटेगरी में रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या होता है कि स्टडी ऑफ स्पीसीज एंड इवोल्यूशन, तुम लोग अभी तो खैर फर्स्ट ईयर में हो, तुम लोग आगे पढ़ोगे ना तो बहुत सारे फिशेज के नाम ऐसे आएंगे जो तुम लोग को पता चलेगा कि पहले वो फिशेज थी लेकिन अब वो नहीं है, या फिर ये फिश थी वो उसका एंसेस्टर ये है, ये इससे डिराइव हुई है। तो जब हम लोग इवोल्यूशन का स्टडी करते हैं तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं जिसका एंसेस्टर सेम होता है, तो जो फाइलोजेनिक ट्री होता है ना, तो उसमें वो अगल बगल होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग इवोल्यूशन और फॉर्मेशन, कैसे ये स्पीसीज बना, इसका एंसेस्टर क्या था, ये सब मतलब जो भी है एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो होता है फिश के केस में भी, तो वो उसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है प्रिंसिपल टास्क होता है टैक्सोनॉमिस्ट का, आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, फिर उसका इवोल्यूशन स्टडी करना। उसके बाद है कि जो हम लोग को, देखो ये सब टर्मिनोलॉजी तुम लोग बहुत फेमिलियर होगे, लेकिन साइंटिफिकली एक क्लियर डिमार्केशन है सबका, तो हम लोग बहुत बार ना ये सब टर्मिनोलॉजी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन जब एग्जाम में लिखना है तो हम लोग रैंडम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो इसी के लिए ना ये सारे डेफिनेशन तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए। जैसे कि टैक्सा, टैक्सा क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज्ड इन ए क्लासिफिकेशन एंड गिवन बायोलॉजिकल नेम, जैसे हम लोग ऑर्डर का नाम पढ़ते हैं, सिप्रिनिफॉर्मिस हो गया, सिटिंटे हो गया, सिटिंटस हो गया, इसको हम लोग टैक्सा बोलते हैं। और जो वर्ड होता है ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सब जो वर्ड होता है इसको हम लोग कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग हमेशा याद रखना है कि जब वो किसी को इंडिकेट कर रहा है तो वो टैक्सा है, लेकिन इन जनरल अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑर्डर इसका, फैमिली, जीनस, तो वो कैटेगरी वर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो हर एक एक कंप्लीट, मतलब कि बैक इसका ये होता है, नेमिंग होता है। जैसे कि स्पीसीज पता है तो उसका पक्का कोई जीनस होगा, उसका पक्का कोई फैमिली होगा, पक्का कोई ऑर्डर होगा, क्लास होगा, फाइलम होगा, किंगडम होगा। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोगों को, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस आई थिंक टैक्सोनॉमी में आधा पोर्शन यही है ना कि सारे फैमिली के कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, वही हम लोग पढ़ते हैं ना। यस, इसमें क्या होता है ना कि एक एक, अगर एक स्पीसीज है तो उसका एटलीस्ट तुमको जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम इतना पता होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रॉडली यूज होता है। लेकिन इसके अलावा भी, जैसे कि अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे काम कर रहा है या एक पर्टिकुलर स्पीसीज को डील कर रहा है, तो उस केस में उसका सब जीनस, सब फैमिली, सुपर ऑर्डर, ये सब भी देखा जाता है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर पे ना ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारा एक्सेप्टेड कैटेगरी है वो स्टार्ट होता है किंगडम से, जो एनिमल किंगडम है, उसके बाद आता है फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, मतलब ये एक्सेप्टेड कैटेगरीज है। जरूरी नहीं है कि तुमको हर एक फिश का हर एक चीज मिल जाए, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और स्पीसीज के बाद आता है सब स्पीसीज, जैसे तुम लोग सुने होंगे सिप्रिनस स्कॉर्पियो कॉमन कार्प का साइंटिफिक नेम है, तो उसमें सब स्पीसीज तीन चार हैं, जैसे कि न्यूडस हो गया। तो इस तरह से ये जो होता है ना सब स्पीसीज भी इन फ्यू केसेस, मतलब कभी कभी किसी किसी स्पीसीज का सब स्पीसीज होता है। उसके बाद है कि आखिर हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ते क्यों है, ठीक है। तो इसका मेन कारण है कि हम लोग रिवील्स कर सकें कि इवोल्यूशनरी फेनोमेना कैसे हुआ है, मतलब कि पहले पता है अभी हम लोग पढ़ते हैं कि जो फिश होती है वो मेनली गिल्स से सांस लेते हैं या उनका जो ब्रीदिंग अपरेटस है वो गिल्स है, लेकिन जो पहले बीच में एक ऐसा फेज था कि जो एंसेस्ट्रल फिशेस थी वो लोग लंग फिशेस थी, लेकिन आज के डेट में वो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन वही है कि वो कैसे, मतलब वो एक एडेप्टेशन था। आज भी देखते हैं कि किसी किसी में जो डीप वाटर फिशेज हैं उनके में गिल्स है, लेकिन कुछ कैट फिशेज हैं जो शैलो वाटर में रहती हैं तो और कुछ ब्रीदिंग एपरेटस है, तो ये एक फेनोमेना है। तो ये सब चीजें टैक्सोनॉमी में पढ़ा जाता है। अगर हम लोग किसी भी फिश का मॉर्फोमेट्री कर रहे हैं, मेरिस्टिक कर रहे हैं, ये सब टैक्सोनॉमी है, तो उसके बेसिस पे हम
लोग कैटलॉग बना सकते हैं, हैंडबुक्स बना सकते हैं, कीज बना सकते हैं, मोनोग्राफ्स बना सकते हैं, मतलब हम लोग पूरा लिख सकते हैं कि इस फिश का ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद है एवॉइड एक्सोटिक स्पीसीज विच मे हार्म द नेटिव स्पीसीज। बहुत बार क्या होता है कि नोइंगली और अननोइंगली जो एक्सोटिक स्पीसीज होते हैं वो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में आ जाते हैं, और बहुत बार क्या होता है ना कि ये इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। मैम हाँ हाँ ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है? ओके मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटलॉग एंड मोनोग्राफ्स? क्या वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है? क्या क्वेश्चन था? उसका हम लोग पूरा कैरेक्टर लिखते हैं, लेकिन मेनी मोनोग्राफ्स में ये होता है कि हम लोग पिक्चर्स से डील करते हैं, मतलब वहाँ विद पिक्चर्स ये होता है। ओके मैम ठीक है, और अगर मतलब अगर तुमको चाहिए तो हम देख के बताते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत बार ये इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द केसेस इन द फिश हम लोग कैटलॉग्स यूज करते हैं, जबकि मोनोग्राफ्स होता है ना थोड़ा ब्रॉडर टर्म्स होता है, लाइक प्लैंकटन हो, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मतलब जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब केसेस में मोस्टली हम लोग मोनोग्राफ्स यूज करते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा हेल्प करता है म्यूजियम डेवलपमेंट में भी, जैसे कि अगर तुम मोस्ट ऑफ द कॉलेज में जाओ या इंस्टीट्यूट में जाओ तो वहाँ पे म्यूजियम्स होते हैं जहाँ पे फिश को नेमिंग कर करके स्पीसीज लेवल पे आइडेंटिफाई कर करके रखा रहता है, तो वहाँ भी कोई भी रेफरेंस के लिए मतलब कि कौन सा स्पीसीज क्या है, बहुत जगह क्या होता है, बहुत सारे आईसीआर इंस्टीट्यूट में भी ऐसा म्यूजियम बना बना के, और वहाँ एंट्री फी है 10 रुपए 5 रुपए, और वो मतलब एज ए रिवेन्यू जनरेशन का भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद है कि जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग फिश को एक्सपोर्ट करते हैं, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस्ड फिश होता है, तो उस केस में हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये कौन से फिश है। प्रोसेस्ड फिश मतलब वो कुक्ड भी हो सकता है और बहुत छोटे छोटे पीसेस में भी कटा हुआ हो सकता है, तो अगर जिसको एक्सपोर्ट किए अगर वो जानना चाहे कि हम लोग को जो जिस नाम पे जिस स्पीसीज के नाम पे इम्पोर्ट वो किया है वो पर्टिकुलर स्पीसीज है कि नहीं है, तो मेनली मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी के द्वारा वो ये चीज पता कर सकता है कि इसका वो पर्टिकुलर स्पीसीज है या नहीं है, या फिर वो उस नाम पे गलत स्पीसीज दिया है, ठीक है। इसमें भी हेल्प करता है टैक्सोनॉमी। उसके बाद है कि हम लोग अक्वा कल्चर के लिए डिफरेंट डिफरेंट फिश स्पीसीज को ये करते हैं कल्चर करते हैं, तो उसमें क्या है कि जो कैंडिडेट फिनफिश होते हैं, तो हम लोग को जैसे बोला गया है कि जो क्लेरियस बैट्रकस है वो कैटफिश है, तो उसमें क्या होता है कि वो अक्वा कल्चर के लिए सूटेड है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कंफ्यूजिंग स्पीसीज होते हैं, एक्लेरिस बैट्रकस के जैसा सेम स्पीसीज दिखता है, तो वो बहुत बार क्या होता है ना कि कंफ्यूज करके हम लोग गलती से उस फिश को भी ये कल्चर में डाल सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो हम डाल रहे हैं उसमें दोनों में फिर भी एक आइडेंटिफिकेशन डिफरेंस है, तो उस आइडेंटिफिकेशन डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग सही जो स्पीसीज है उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके इम्पॉर्टेंट फॉर स्टार्ट एनी बायोलॉजिकल रिसर्च, जब हम लोग स्पेशली जब रिसर्च करते हैं लाइक हम लोग न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं किसी भी फिश का, तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि वो कौन सा स्पीसीज है। रैंडमली नहीं बोल सकते हैं कि इसमें इतना फैट है, ये है, वो है, क्योंकि हर एक फिश का न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो खासकर ऐसे रिसर्च में जो न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग जैसे रिसर्च है उसमें, या फिर कोई भी बायोलॉजिकल रिसर्च मॉलिकुलर भी करते हैं, तो हम लोगों को फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम लोग जैसे मॉर्फोमेट्रिक करना है या मेरिस्टिक करना है या जो भी बहुत सारे टूल्स हैं आगे हम लोग अभी देखेंगे, तो उसके फिर पहले हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वो जो सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उस समय हम लोगों को कुछ चीजों को ध्यान रखना है जिसको हम लोग बोलते हैं रूल्स ऑफ कलेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोगों को अनबायस्ड सैंपलिंग करना है, मतलब कि हम लोग जिस भी गियर के थ्रू या जिस भी नेट के थ्रू हम लोग फिश को पकड़ रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े फिश को कवर करे, पहला कंडीशन है। या फिर जिस जिस एरिया में वो फिश मिलता है वो हर एक एरिया से हम लोगों को सैंपल लेना है। दूसरा है कि डिफरेंट स्टेजेस एंड डिफरेंट सेक्सेस, मतलब कि हर एक साइज का फिश होना चाहिए,
मतलब जुवेनाइल होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 6 मंथ का होना चाहिए, 1 ईयर का होना चाहिए, मतलब उसका जो मैक्सिमम लाइफ मतलब जैसे होता है, या फिर एडल्ट जो बोलते हैं जिसके बाद ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं फिश में, वहां तक सारे स्टेजेस को कवर करने हैं। फिर डिफरेंट सेक्सेस होते हैं जैसे मेल और फीमेल, बहुत बार फिश में क्या होता है ना डाइमॉर्फिक डिफरेंसेस होते हैं, मेल में पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, फीमेल में पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है। तो जब हम लोग कलेक्ट करते हैं सैंपल तो ये दोनों को कवर करना है, क्योंकि हम लोग एक जब जीनस स्पीसीज का कैरेक्टर देंगे तो केवल मेल के बेसिस पे या फीमेल के बेसिस पे नहीं देंगे, दोनों में देंगे। तो ऐसा भी होता है कि बहुत बार दोनों में सेम चीजें होती हैं और बहुत बार एक दो कैरेक्टर डिफरेंट होता है। उसके बाद है कि फ्रॉम ऑल द लोकेलिटीज, मतलब कि जितने भी लोकेलिटी में ये पॉसिबिलिटी है वो सारे जगह से सैम्पलिंग करना है। उसके बाद होता है मैक्सिमम पॉपुलेशन नंबर, कोई भी टैक्सोनॉमिक टूल्स को यूज करने के लिए या कोई भी स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करने के लिए मिनिमम 30 नंबर ऑफ स्पीसीज काफी होता है, लेकिन हम लोगों को देखना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके उतना अच्छा है। दूसरा है केयरफुली प्रिजर्वेशन, जब हम लोग फिश को पकड़ लेते हैं और उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं अल्कोहल या फॉर्मेलिन के थ्रू, तो हम लोगों को इस तरह से मतलब उसको डेलिकेटली हैंडल करना है फिश को, कि उसका कोई मतलब पार्ट या उसका कोई उसमें कोई डैमेज नहीं, क्योंकि वो फिर हो सके कि उसके कारण हम एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मिस करेंगे या फिर उसका बॉडी शेप ये वो चेंज नहीं होगा, केयरफुली हैंडल करना है। ठीक है, अगला है प्रिजर्वेशन एंड कैटलॉगिंग। इसमें हाँ बोलो मैम, रूल्स ऑफ कलेक्शन है तो मतलब सैंपलिंग सैंपल का जो कलेक्शन करेंगे इसमें सारे कैटेगरिया मतलब उसमें होना चाहिए या फिर किसी एक कैटेगरी के बेसिस पे भी हम कलेक्शन कर सकते हैं? सारे सारे कलेक्शन करना है। जब तुम टैक्सोनॉमिक स्टडी कर रही हो ना, मतलब तुम पक्का सब कुछ टैक्सोनॉमी कर रही हो, जनरली हम लोग एक फैमिली को लेते हैं, उस फैमिली में हम लोग अगर बहुत ज्यादा स्पीसीज है एक पर्टिकुलर जीनस पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर कम स्पीसीज है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि सारे स्पीसीज को कवर करें, मतलब हर स्पीसीज कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हम लोग कवर करें। वैसे केस में ये सारे क्राइटेरिया पूरे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है ना, अगर तुम्हारा मिनिमम नंबर इसमें 30 है, 30 तो होना ही होना है। अगर 30 नहीं है तो जो भी डेटा मिला हम लोगों को उसका हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे कि हम लोग यहाँ भी अगर रिसर्च होता है, अगर सैम्पलिंग करना है कोई एक फिश अगर थ्रू आउट द इंडियन कोस्ट मिलती है, फिर उसको थ्रू आउट द मतलब एटलीस्ट रैंडम उसको 6 स्टेशन तो कवर करना ही करना है। यस मैम, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, मतलब कि अगर तुम जैसे कि तुमको अभी एज ए प्रोजेक्ट दिया गया, मान लो तुम लोग बीएफएससी में हो तो एक दो चीज इधर हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर कोई पीजी कर रहा है पीएचडी कर रहा है जिसमें इसका ऐसा काम है तो फिर मतलब नहीं होगा, सारा कंडीशन पूरा करना है। ठीक है, यस मैम। उसके बाद है इसका प्रिजर्वेशन और कैटलॉगिंग। इसमें क्या होता है ना कि प्रिजर्वेशन में तुम्हारा कमर्शियल फॉर्मेलिन जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं या जो जनरली लैब में होता है वो 40% होता है, तो उसको हम लोगों को डाइल्यूट करना है 8-10% तक। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो हम लोगों को फिश मिला है वो बहुत अलग अलग साइज के हो सकते हैं, वो छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। तो अगर छोटा स्पीसीज है लेस देन 10 सेंटीमीटर तो उसको 8% फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करना है, लेकिन अगर बड़ा स्पीसीज है तो उसको 10% फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करना है। और पर फिश कितना फॉर्मेलिन लगेगा, कितना लीटर लगेगा, कितना एमएल लगेगा, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। अगर फिश बहुत बड़ी है, उसका जो थिकनेस है बहुत ज्यादा है, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि इंजेक्शन में भर भर के उसके मसल में फिश को मतलब फॉर्मेलिन को डाला जाता है कि वो डिग्रेड नहीं हो। ठीक है, और बहुत बार जैसे एंजल फिश ये सब होती है तो वो सब जनरली वो लोग मतलब ये कंप्रेस्ड होते हैं और वो लोग बहुत कम थिकनेस वाले होते हैं, उस केस में कम फॉर्मेलिन से भी कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना ये थोड़ा फिश टू फिश वैरी करेगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फिश बहुत बड़ी होती है तो जब हम लोग प्रिजर्व करते हैं तो उसका गट निकाल देते हैं, गट निकालने के बाद में उसका स्ट्रक्चर हो सके थोड़ा डिफॉर्म हो जाए, तो वैसे केस में जो भूसा होता है ना जिसको स्ट्रॉ बोलते हैं उसको फॉर्मेलिन में सोक कर करके और उसके स्टमक में फिल किया जाता है शेप को मेंटेन करने के लिए। ठीक, और बहुत वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे या कॉलेज पे, जितने भी म्यूजियम होते हैं जिसमें फिश जो भी फॉर्मेलिन में प्रिजर्व्ड होते हैं कुछ लोग उसको टाइमली चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं मतलब एक साल में किए, एक महीने में किए, लेकिन बेटर है कि उसको स्टार्टिंग एटलीस्ट 10 दिन पे, एक महीने पे चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद है कि हम लोग उसमें कैटलॉगिंग करते हैं, उसमें तुम्हारा कंसेक्यूटिव म्यूजियम नंबर, मतलब सबको अपना एक एक म्यूजियम नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट है तो सबका इंस्टीट्यूट के नाम से म्यूजियम नंबर है,
उसके बाद ओरिजिनल फील्ड नंबर अगर वो पर्टिकुलर एरिया को, जैसे तुम लोग आगे पढ़ोगे कि मतलब सारे ओशन को कई पार्ट में बांटे गए हैं, सारे रिवर्स को कई पार्ट में बांटे गए हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोगों को उसका फील्ड नंबर मिलेगा। उसके बाद है साइंटिफिक नंबर, जो भी अपने लैब में कुछ फॉलो होता है। फिर सेक्स की जो पर्टिकुलर फिश है वो मेल है या फीमेल है, ये हम लोग को लिखना है। एग्जैक्ट लोकेलिटी, कहाँ से सैंपल कलेक्शन हुआ है, डेट ऑफ कलेक्शन, मेथड ऑफ कैप्चर, कैसे उसको पकड़ा गया है, उसके बाद डेप्थ ऑफ कैप्चर और रिमार्क। इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारे मतलब ये जो कंडीशन है वो नहीं लिख सकते, मतलब सारा हम लोग डिटेल्स नहीं लिख सकते मेनी केसेस में, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड ये है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल कमीशन ऑन जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये है ICJN, जो सेटअप हुआ था 1895 में, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, मतलब इसमें जो भी डोनेशंस जाते हैं या जो भी कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें कुछ कंट्रीज मेंबर्स हैं वो लोग, मतलब इसको जो भी पैसे मिलते हैं वो कोई उससे अपना प्रॉफिट नहीं बनाता है, ये मेनली जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर पे काम करता है। और इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ये केवल फिशरीज में नहीं, जबकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे एरियाज में ये फॉलो होते हैं। और ये एक बुक पब्लिश करता है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और इसमें जितने भी इसके रूल्स रेगुलेशन है वो सारे पब्लिश होते हैं। देखो इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन एज ए स्टूडेंट उसको मतलब एकदम सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो किसी नए स्पीसीज को रिपोर्ट कर रहा है या जो इस पर्टिकुलर किसी भी जीनस का नाम चेंज करना चाह रहा है या कोई भी चेंज करना चाह रहा है, किसी भी फैमिली रिविजन, टैक्सोनॉमिकल रिविजन करना चाह रहा है, तो उसको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत बार क्या होता है कि कोई एक स्पीसीज का नाम कुछ भी है, कोई दूसरा उसका नाम बोल रहा है कि नहीं ये गलत नेमिंग किया हुआ, ये तो इससे मैच कर रहा है कि इसका नाम ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत बार डिस्प्यूट्स होते हैं, तो ये सारा जो होता है वो ICJN ही क्लियर करता है। इट गिव्स द रूलिंग ऑन इंडिविजुअल नोमेनक्लेचर प्रॉब्लम्स, ब्रॉट इट टू अटेंशन सो एज टू अचीव द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन। मतलब ये किसी भी नेमिंग रिलेटेड, नोमेनक्लेचर रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी है अगर दो ऑथर के बीच में या दो साइंटिस्ट के बीच में, तो वो ये ICJN क्लियर करता है, ठीक है। उसके बाद है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये तो मतलब तुम लोग इसका बहुत सारा कुछ जानते भी होगे। इसमें टू नेम्स होते हैं, फर्स्ट जीनस होता है, स्पीसीज होता है, जीनस तुम्हारा इससे होता है, कैपिटल से स्टार्ट होता है, स्पीसीज स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, और ये स्टैंडर्डाइज्ड किया गया था कैरलस लीनियस के द्वारा। उसके बाद है जब इसको टाइपिंग करते हैं इटैलिसाइज करना है, नहीं तो अंडरलाइन करना है लिखने के समय। इसमें बहुत बार क्या होता है ना कि जीनस के बाद एक आता है सब जीनस, तो जब हम लोग सब जीनस इंडिकेट कर रहे हैं तो वो जीनस नेम और स्पीसीज नेम के बीच में होगा और वो ब्रैकेट में होगा, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद होता है ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल सिस्टम में क्या होता है कि सब स्पीसीज, जैसे कि बाइनोमियल में दो कॉम्पोनेंट होते हैं, ट्राइनोमियल में तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, और इसमें देखो कि इसमें जो सब स्पीसीज है उसको ब्रैकेट में नहीं डाला हुआ है, वो जैसे एक पार्ट ऑफ ये है, मतलब नेम है, जैसे कि सरनस मृगाला मृगाला हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है। तो किसी किसी स्पीसीज के केस में बहुत सारे सब स्पीसीज भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप स्पेसिमेन, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है, इसमें जनरली बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग किसी भी एक, जैसे हम लोगों को पता है कि कटला कटला है, लेकिन कटला कटला एक ऐसा स्पेसिमेन है जिसके बेसिस पे, जिसमें वो कटला के आज भी हम लोग जितनी कैरेक्टर पढ़ते हैं कि कटला का बॉडी डेप्थ होता है, माउथ ऐसा होता है, ये होता है, जो भी है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बेसिस पे ये सारे कैरेक्टर एक्सप्लेन किए गए हैं या लिखे गए हैं, लिस्टेड हैं, तो वो जो पर्टिकुलर एक स्पेसिमेन है उसको बोलते हैं होलोटाइप, ठीक है। और ये होलोटाइप इंडिया में मैक्सिमम क्या होता है ना, फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया का नाम सुने हो तुम लोग, फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब इंस्टीट्यूट है, ये लोग मैक्सिमम जो होता है ऑर्गेनिज्म के होलोटाइप्स को प्रिजर्व करते हैं। मतलब कि अगर तुमको देखना हो ना कि किस स्पीसीज के बेसिस पे बताया गया कि कटला में ये एक कैरेक्टर होते हैं, वो एक स्पेसिमेन को बोलते हैं होलोटाइप, और वो कहीं ना कहीं आइदर इंडिया में हो और दूसरा क्या होता है कि बहुत सारा सैम्पलिंग किए हम लोग किसी भी टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर स्टडी के लिए, हम लोग बहुत सारा ये सैंपल कलेक्ट करते हैं,
जब तक हम लोग होलोटाइप नहीं बनाए हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज को हम लोग फिक्स नहीं किए हैं कि ये वो हमारा स्पीसीज है जिसमें सारे कैरेक्टर हैं और यही कटला कटला का होलोटाइप है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं सारे स्पेसिमेन को हम लोग बोलते हैं सिनटाइप। ठीक है, मतलब सिनटाइप उस केस में है जब हमारे पास एक भी होलोटाइप नहीं है, एक हमारा जो मोस्ट डोमिनेंट जो हमारा स्पेसिमेन था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेसिमेन था वो नहीं है, उस केस में हम लोग बोलते हैं सिनटाइप। ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्पेसिमेन हैं और एक को हम लोग बोल दिए कि ये होलोटाइप है, तो उसके बाद बाकी जो जितने बचे उसको हम लोग बोलते हैं पैराटाइप। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो मैम। हाँ ठीक है, उसके बाद देखो अगर तुम लोग जब भी एग्जाम में आता है राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप स्पेसिमेन, तो जरूरी नहीं है कि सारा लिखा है, ये टोटल है, इसमें अगर तुम कोई फाइव भी लिखे या सारा भी लिखे तो ऐसे चलेगा, मतलब इसमें बहुत कमी होता है जिसको सब याद रहे। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे इसमें और एक दो भी है एडेड है लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, लेक्टोटाइप में क्या होता है कि वन ऑफ द सीरीज ऑफ सिनटाइप, जैसे हम लोग बोले ना कि जब हम लोग किसी भी टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए सैम्पलिंग करते हैं तो हम लोगों को हर लोकेलिटी से सैम्पलिंग करना है, तो जैसे हम लोग लोकेलिटीज वाइज उसका अलग अलग हम लोग सीरीज बना सकते हैं, तो उसमें से एक सीरीज को हम लोग पर्टिकुलरली रेफर करते हैं लेक्टोटाइप। ठीक है, नियोटाइप क्या होता है कि जो एक हम होलोटाइप जिसको मान रहे थे कि ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज है जिसमें सारा कैरेक्टर है, इसी के बेसिस पे कटला को एक्सप्लेन किया गया है, अगर वो मान लो डिस्ट्रॉय हो गया तो नेक्स्ट बेस्ट स्पेसिमेन हम लोग रखेंगे होलोटाइप की जगह पे, नेक्स्ट बेस्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं नियोटाइप। ठीक है, उसके बाद होता है एलोटाइप। एलोटाइप में क्या होता है कि जो हमारा मेन होलोटाइप था, जो मेन स्पेसिमेन था, अगर वो फीमेल है तो उसके अपोजिट जो मेल है, मेल को बोलते हैं एलोटाइप। अगर वो मान लो जो मेन स्पेसिमेन है वो मेल है तो दूसरे वाले को बोलेंगे एलोटाइप। ठीक है, टोपोटाइप होता है कि जो एक जिस एक जिससे कई लोकेलिटीज हम लोग सैम्पलिंग किए लेकिन जो होलोटाइप था, जो मेल स्पेसिमेन था, वो एक ही था, तो वो जिस लोकेलिटी का है उस लोकेलिटी के बाकी जो स्पेसिमेन है वो बहुत चांसेस है कि वो सबसे ज्यादा सिमिलर होंगे उन लोगों से, उसको बोलते हैं टोपोटाइप। ठीक है, मेन इसका कॉन्सेप्ट ये है, मे बी तुम लोगों को अभी एक मतलब एग्जैक्ट समझ में नहीं है, जब तुम लोग इसी बेसिस पे इसको कोरिलेट करके पढ़ना तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक, उसके बाद होता है लॉ ऑफ प्रायोरिटी। इसमें मतलब हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग क्वेश्चन ये करके रखो, लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि बीच में आवाज बहुत ये हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। ठीक है, देखो उसके बाद है लॉ ऑफ प्रायोरिटी। लॉ ऑफ प्रायोरिटी में क्या होता है ना कि उतना मतलब इसमें तुम लोगों को जैसे अभी उतना हम लोग तो बीएफएससी में ये सब उतना नहीं पढ़े थे, लेकिन इसमें जनरली ये है कि स्पीसीज और मतलब कुछ एक दो चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो स्पीसीज का नाम है, सब स्पीसीज का नाम है, इसका जो फर्स्ट ऑथर उसका जो नाम दिया है वही उसका वैलिड नेम होता है। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा भी हो सके कि सेम स्पीसीज का नाम कोई ऑलरेडी किसी और नाम से दे चुका है और दूसरे आदमी को पता नहीं है वो स्पीसीज का नाम दूसरा कोई दे रहा है, तो सभी को क्लियर करके फाइनल एक नाम को ये किया जाता है, क्या बोलते हैं मतलब कंफर्म किया जाता है कि ठीक है इसका ये कैरेक्टर अगर कोई क्वेश्चन किया है तो उसका नाम चेंज होगा लेकिन उसका नाम ये होगा। टिल दैट मतलब वो जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक जो फर्स्ट ऑथर नाम दिया है वही उसका पक्का नाम रहेगा। उसके बाद हो रहा है ऑथरशिप। ऑथरशिप में क्या होता है कि पर्सन जो भी मतलब अगर हम लोग थोड़ा हायर मतलब ये पीजी वगैरह में जब हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हम लोग उसके ऑथर का नाम जरूर बगल में लिखते हैं। तो इस केस में देखो इसमें क्या है कि जो नाम चेंज किया है, जो इसमें कॉर्विना डुसो मेरी कुवियर के द्वारा दिया गया था, कुवियर उसको पहले ये किया था, लेकिन देखो जूनियस डुसो मेरी बाद में कुवियर को ये किया, कोई चेंज किया, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका जो फर्स्ट ऑथर है जो उसको दिया है नाम उसी का रहेगा। ठीक है, इसमें देखो कोर्विना डुसुमेरी है, उसके बगल में हम लोग कुवियर लिखे,
ठीक है, उसके बाद जोनियस टुसुमेरी लिखे, उसके बगल में हम लोग कुवियर लिखे, लेकिन हम लोग कुवियर को ब्रैकेट में लिखे हैं। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे जीनस बदल गया है। लेकिन तो मोस्ट ऑफ द केसेस देखोगे कि जो ये होता है, जो साइंटिफिक नेम होते हैं, जो साइंस के नेम में जो भी उसका नाम दिया है, उसका नाम ब्रैकेट नहीं रहता है, कि इन द मैक्सिमम केसेस जो जीनस नेम है वो चेंज हो गए हैं, मतलब स्टडीज होते रहते हैं। उसके बाद होमोनिम्स सिनोनिम्स ये थोड़ा मतलब है, ठीक है, लेकिन इतना तुम लोग याद रखो कि अगर डिफरेंट नेम्स यूज्ड फॉर द सेम स्पीशीज सो सिनोनिम्स, ठीक है, तब इसका ओरिजिन सेम होता है। उसके बाद है टैक्सोनॉमिकल रिविजन्स, कि हम लोग टैक्सोनॉमिकल रिविजन्स क्यों करते हैं। बहुत बार जैसे अभी क्लेरियस बट्रेकस, जिसको बिहार का स्टेट फिश भी बोलते हैं, उसका नाम अभी क्लेरियस मागुर हो गया है, मतलब कि वो ये ऐसा साइंटिफिक ये प्रूव हो चुका है कि क्लेरियस बट्रेकस सही गलत है, अब उसका नया नाम क्लेरियस मागुर है। तो क्लेरियस मागुर नाम देना इतना इजी नहीं है, उसके पहले उसका बहुत टैक्सोनॉमिकल स्टडी किया गया है, सारे जस्टिफिकेशन उसके दिए गए हैं कि इसका कैरेक्टर ऐसा है, चेंज है, ये है, वो है, फिर जाके उसका नाम चेंज हुआ है। तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल रिविजन्स। तो इसमें क्या होता है कि स्टडी द सैंपल फ्रॉम वेरियस म्यूजियम इंक्लूडिंग द होलोटाइप। होलोटाइप मतलब जिसके बेसिस पे हम लोग मेन डिस्क्रिप्शन बनाए हैं अपने कैरेक्टर, फिश के कैरेक्टर का, तो टैक्सोनॉमिकल रिविजन से होलोटाइप को रेफर करना बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो द फर्स्ट स्पेसिमेन इन एनवायरनमेंट, और जिस भी एरिया से हम लोग उसके मतलब जहां भी वो फिश था वहां से भी सैंपलिंग करनी है। नो बायस सैंपलिंग ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ फिश, इसमें कोई भी बायस सैंपलिंग नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट स्टेजेस सक्सेस हैज टू बी कलेक्ट विद द एडुकेट नंबर ऑफ द सैंपल कवर ऑल द लोकेलिटीज, वो सेम है, जो भी टैक्सोनॉमिक सैंपलिंग के लिए जो भी क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए वो सारे सेम है, ठीक है। सैम्पलिंग शुड प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द इवोल्यूशनिस्ट, मेनली जो इवोल्यूशनिस्ट का काम होता है वो हम लोग मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी कर लेते हैं। उसके बाद स्टडी ऑल द कैरेक्टर करिए केयरफुली, यहाँ पे तुम्हारा आता है मॉर्फोमेट्री एंड मेरिस्ट्री। मॉर्फोमेट्री में और इसमें जो मेरिस्ट्रिक होता है उसमें काउंटेबल कैरेक्टर्स देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से सारे ये मेथड शुरू होगा कि कैसे हम लोग फिश को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे तुम लोग बोले मॉर्फोमेट्री और मेरिस्टिक तुम लोग किए हो ना, तो इसमें yes, क्या होता है कि जो मॉर्फोमेट्रिक और मेरिस्टिक होता है वो सेकंड स्टेप होता है। सबसे पहले अगर हमारे सामने फिश है तो हम लोग उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी करते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम लोग उसका देखते हैं कि कलर पैटर्न कैसा है, मतलब जो प्रिजर्व्ड सैंपल होते हैं उसमें जनरली कलर सबके चेंज हो जाते हैं, मतलब कि प्रिजर्व्ड सैंपल सारे एक ही जैसे दिखते हैं। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मोस्ट यूजफुल कब है, जब तुम्हारे पास फ्रेश स्पेसिमेन है, उसमें हम लोग देखते हैं उसका कलर पैटर्न कैसा है। दूसरा देखते हैं एडिपोज आईलिड, मतलब कि जो फिश की आई होती है उसके ऊपर एक थिन कवरिंग होती है, वो फैट टिश्यू की बनी होती है, उसको बोलते हैं एडिपोज आईलिड। तो वो हम लोग एक्सटर्नली देख सकते हैं कि इस फिश में एडिपोज आईलिड है कि नहीं है। फिर पोजीशन ऑफ नॉस्ट्रिल, ये क्या होता है ना कि ये जो ये होते हैं मतलब होल्स होते हैं वो उसका पोजीशन देखना है नॉस्ट्रिल्स में। जैसे ये मेनली कुछ मरीन फिश होती है ना, बॉम्बे डक, ये साइनिड्स फिश, उसमें ये सब बहुत कॉमन होते हैं। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ माउथ देखते हैं, सुपीरियर है, इंफीरियर है या टर्मिनल है, कैसे है, मतलब ये सब ऐसे कैरेक्टर हैं जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं। फिर बैंड ऑन द बॉडी, एक फिश है टाइगर फिश, उसके फिश उसके बॉडी पे ना बैंड है, जैसे टाइगर के बॉडी पे बैंड होता है वैसा होता है, ये भी कैरेक्टर्स हैं। कुछ होते हैं पिगमेंट, जैसे रेनबो ट्राउट वगैरह फिश है उसके में डॉट 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 होते हैं। फिर होता है कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जब हम लोग मतलब बहुत केसेस में क्या होते हैं, इसीलिए कहा जाता है ना कि हर स्टेज की सैम्पलिंग करनी है, क्योंकि बहुत बार ये कैरेक्टर विथ लेंथ मतलब विथ ग्रुप ये गायब भी हो सकते हैं और नए कैरेक्टर भी आ सकते हैं, और जनरली ये सारे कैरेक्टर प्रिजर्व कंडीशन में चेंज होते हैं। होता है उसमें स्ट्रिक्टली डिन स्लिट्स है कि नहीं है, क्लास्पर है कि नहीं है, वो पेल्विक फिन का एक मॉडिफिकेशन है क्लास्पर, ठीक है। स्पेरेकल्स जनरली जो होता है रे और ये स्केट्स, ये सब जो फिशेज होती है ना उसमें मेनली एस्पेरेकल्स मिलते हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करती है। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप इन द आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द फिश देखते हैं। सेकंड है तुम्हारा मॉर्फोमेट्री। मॉर्फोमेट्री में तो तुम्हें तो दिक्कत नहीं होगा, पढ़ा हुआ है? यस मैम।
इसमें ये मोस्टली तुम्हारा मेजरेबल फीचर्स होता है, मेजरमेंट्स आर मेड विद द मेजरमेंट बोर्ड्स, मतलब उसका टेक्निक है, फिर उसको ऐसे रखना है, उसके सारे पिंस को स्ट्रेट करने हैं विद द हेल्प ऑफ द पिंस, उसके बाद और ये लेंथ, जो लेंथ ये है इसमें मेन कंपोनेंट है मॉर्फोमेट्री का, क्योंकि फिश के बहुत सारे कैरेक्टर उसके लेंथ से रिलेटेड होते हैं, जैसे वेट, एज, फिकंडिटी, मैच्योरिटी, ये सब अगर हायर मतलब बाद में तुम लोग देखोगे सबका एक्सप्लेनेशन विद लेंथ है। और इसमें जनरली हम लोग मेजर करते हैं लीनियर डायमेंशन को, जिसमें टोटल लेंथ आ गया, स्टैंडर्ड लेंथ आ गया, फोक लेंथ आ गया। टोटल लेंथ तुम्हारा सबसे कॉमनली यूज होता है क्योंकि वो बहुत इजी है मेजर करना, उसके बाद स्टैंडर्ड लेंथ यूज होता है, उसके बाद फोक लेंथ हो गया। और ये तुम्हारा लिस्ट ऑफ द मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टर्स है, इसमें सारे लिस्ट है तो तुम लोगों का किया हुआ होगा। फिर है मेरिस्टिक, जो काउंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो भी फिंस हैं उसमें कितने स्पाइंस हैं, कितने रेज हैं, ये सब काउंट करते हैं। फिर गिल रेकर्स में कितने गिल्स हैं, ये सब काउंट करते हैं। उसके बाद लैटरल लाइंस स्केल्स, लैटरल लाइंस जो उसमें फिश के मिड बॉडी में एक लाइंस होता है उसके अलोंग नंबर्स ऑफ स्केल काउंट किए जाते हैं। अगर लैटरल लाइंस नहीं है फिश में तो उस केस में हम लोग वो जो एज्यूम करना है कि यहाँ पे अगर लैटरल लाइन होता तो यहाँ होता, फिर उसके अलोंग हम लोग स्केल काउंट करते हैं। फिर प्री डॉर्सल ये स्केल होता है, मतलब फर्स्ट डॉर्सल फिन के पहले जितने स्केल्स होते हैं उसको प्री डॉर्सल स्केल बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल है जो फिश आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकता है वो है ऑस्टियोलॉजी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फिश के डिफरेंट डिफरेंट बोन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल की ये मैक्सिला, प्री मैक्सिला, ये सबका शेप्स देखते हैं। फिर ये सब का इसमें मेनली स्टडी किया जाता है, कंपैरिजन बिटवीन द बोन्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज एंड देयर स्ट्रक्चर, बिकॉज द बोनल वेरिएशंस आर वेरी इनसिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द ग्रोथ, मतलब कि इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन ऑस्टियोलॉजी मोस्टली लोग प्रिफर नहीं करते हैं क्योंकि इसको करना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग बोन रिमूव करते हैं तो उसमें कुछ चेंज आ गया, कुछ टूट गया, वो सब थोड़े इसमें रिस्क होते हैं, बट एक अच्छा टूल है ये। अपार्ट फ्रॉम द बोनल वेरिएशन, प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ बोन्स विल ऑल्सो बी यूजफुल। कुछ स्पीसीज में कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और इसमें मेनली जो हम लोग लेते हैं वो क्रैनियल लेंथ, रोस्ट्रल लेंथ, ये सब तुम लोग फिश में ये सारे अलग अलग ये कॉम्पोनेंट हैं। उसके बाद डायमीटर ऑफ द ऑर्बिट, पोस्ट ऑर्बिटल लेंथ ऑफ द स्कल, ये जब हम लोग फिश के बोन्स को निकालेंगे ना तो हम लोग उसमें इसको देख सकते हैं। उसके बाद एक होता है, फिफ्थ होता है ऑटोलिथ। ऑटोलिथ क्या होता है कि फिश का जो हेड रीजन होता है वहां पे अगर हम लोग कट ओपन करके देखेंगे तो जैसे हम लोग में ईयर बोन्स होते हैं वैसे उसमें ऑटोलिथ बोन्स होते हैं। तो उसमें जो सैगिटा नाम का ऑटोलिथ होता है वो सबसे बड़ा साइज में होता है, और हर फिश का वो जो बोन होता है ऑटोलिथ होता है वो अलग होता है, मतलब कि उसमें मतलब ऐसा भी हो सकता है माइक्रो लेवल पे चेंजेस हो, किसी भी दो स्पीसीज के ऑटोलिथ सेम नहीं होते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि फिश का आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑटोलिथ भी किया जा रहा है, और ये जनरली जो होता है वो साइज टू साइज भी वेरी करता है, उसे छोटे स्पीसीज में छोटा हो, बड़े स्पीसीज में बड़ा हो, कुछ फिशेज होती है जिसमें ऑटोलिथ बहुत ही बड़ा होता है। इसमें हम लोग ऑटोलिथ को निकालते हैं, उसमें ज्यादा टेक्निक नहीं है, अगर फिश है तो उसको इजी वॉश करके उसका स्टडी शुरू किया जा सकता है। जनरली उसका ऑटोलिथ देखते हैं, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ द ऑटोलिथ देखते हैं, इसका साइज स्मूथ क्योंकि वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो हम लोग उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, एक बोन होता है फिश का जो मेन सबसे बड़ा लार्जेस्ट बोन है वो होता है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम अगर हम लोगों को देखना है तो उसमें हम लोग, और ये जैसे इसमें क्या करते हैं कि फिश को जो एक्सरे ये होता है, एक्सरे जो भी उसका लेंस होता है उसके सामने रख देते हैं तो वो उसका क्लियर इमेज ले लेता है। और बहुत बार अगर लोग उसका वर्टिब्रल कॉलम देते हैं तो उसका जो एक बोन से दूसरे कनेक्शन होता है अलग होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद एट है सॉफ्ट एनाटॉमी, ये बहुत ही डिपेंडेबल कैरेक्टर है क्योंकि इसका नेचर और नंबर थ्रू आउट द लाइफ कॉन्स्टेंट होता है। इसमें पायलोरिक सीखेगी, इंटेस्टाइन के पास एक ऑर्गन मतलब ये कॉम्पोनेंट है, इसमें बहुत सारे मतलब ये ब्रश जैसा स्ट्रक्चर होता है
और ये डाइजेशन में हेल्प करता है. तो ये इसका प्रेजेंस एब्सेंस हो सकता है. इलेक्ट्रिक ऑर्गन जैसे कि ये गिल्स में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं. फिर इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर ऑफ द एयर ब्लडर कैसा है, वो ज्वाइंट है इंटेस्टाइन के साथ, सेपरेटेड है, ये सब कर सकते हैं. शेप ऑफ द स्टडी ये लीवर देख सकते हैं. तो ये सब, फिर नेचर ऑफ इंटेस्टाइन देख सकते हैं, मतलब नेचर ऑफ इंटेस्टाइन लंबा है छोटा है, वो हर्बीवोरस से कार्निवोरस है, उसके बेसिस पे हम लोग ये सब स्टडी कर सकते हैं. फिर होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी. मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम लोग जनरली डील करते हैं मॉलिकुलर एस्पेक्ट से. इसमें पहला होता है कैरियोटाइपिंग. कैरियोटाइपिंग में हम लोग उसके क्रोमोजोम को स्टडी करते हैं. जैसे कि ह्यूमन के केस में क्रोमोजोम होते हैं, वैसे ही फिश के सेल्स में भी क्रोमोजोम होते हैं न्यूक्लियस में. और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है वो फिश टू फिश वैरी करता है. ठीक है, तो जब हम लोग क्रोमोजोम स्टडी करते हैं उसमें क्रोमोजोम का शेप्स, नंबर, पोजीशन देखते हैं, सेंट्रोमेरिक इंडेक्स मतलब उसका जो लॉन्गर आर्म है और सो ये शॉर्टर आर्म है उसके बेसिस पे वो निकालते हैं. फिर आर्म रेशियो देखते हैं. फिर एक होता है जीन मैपिंग, जिसमें जो ये बहुत मोस्ट फेमस है, डीएनए बार कोडिंग करके हम लोग जेनेटिक वेरिएशन देखते हैं. फिर है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें मसल मायोजेन और आई लेंस प्रोटीन को एक मतलब निकाल करके उससे स्ट्रक्शन करके इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के बेसिस पे स्टडी किया जाता है. ठीक है, ये अभी खत्म हो गया, यहीं तक का था तुम्हारा क्लास. अब जिसको जो डाउट है पूछो. हेलो. हाँ बोलो मैम. बायस्ड और अनबायस्ड सैंपलिंग, एक बार उसको डिफरेंशिएट करो. देखो बायस्ड सैंपलिंग ये होता है ना कि जैसे तुम किसी भी रिवर में सैंपलिंग करने गई तो जो किनारे में फिश होते हैं उसको पकड़ना बहुत इजी है. ठीक है, लेकिन और जो छोटे फिश होते हैं उसको पकड़ना बहुत इजी है क्योंकि वो जनरली एग्रीगेशन में होते हैं. तो तुम उसको पकड़ के आ गई, उसके बेसिस पे सारा स्टडी हो रहा है. लेकिन ये गलत है क्योंकि तुम उसका जो बड़ा वाला फिश था जो सेंटर में मिल रहा था, जो हाईली मूव कर रहा था, उसको हम लोग छोड़ दिए. तो उसको बोलते हैं बायस्ड सैंपलिंग. अनबायस्ड सैंपलिंग का मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, कितना भी डिफिकल्टी हो, कुछ भी हो, हर स्टेज को कवर करना है, हर पूरे लोकेलिटी को कवर करना है, पूरे उसके दोनों सेक्स को कवर करना है, जितना मैक्सिमम नंबर हो सके उतना कवर करना है. जैसे बायस्ड और देखो होता है ना कि हम लोग किसी भी कंडीशन में बोलते हैं वो उसकी तरफ बायस्ड है, मतलब कि किसी एक चीज को थोड़ा ज्यादा ये करना. अनबायस्ड मतलब बिल्कुल न्यूट्रल रहना, जो है सो है. ठीक है, तो इसमें यही है. अनबायस्ड का मतलब कि तुमको किसी भी पॉइंट पे ऐसा फेवर नहीं करना है किसी भी ग्रुप को या किसी भी साइज को या किसी भी सेक्स को, इसको फेवर नहीं करना. अनबायस्ड सैंपलिंग मतलब वही है कि हर चीज को कवर करना है, सारे स्टेजेस को, सारे लोकेलिटी को, सारे हैबिटेट को, दोनों सेक्स को, यही होता है. हम टोपोटाइप नहीं सुने. हेलो. इसमें देखो, इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा होलोटाइप था वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी का था. yes, ठीक है, जबकि और सैम्पलिंग जो है वो कई सारे लोकेलिटी से हुई है. तो जिस लोकेलिटी का होलोटाइप था उस लोकेलिटी से जो अदर देन होलोटाइप जो भी स्पेसिमेन है वो तुम्हारा टोपोटाइप है. होलोटाइप का लोकेलिटी है वही टोपोटाइप का भी लोकेलिटी होगा. और किसी को कोई क्वेश्चन पूछो. क्वेश्चन सब शिल्पी. हेलो. हेलो शिल्पी. यस सर. नेटवर्क आ रहा है तुम्हारे गांव में? थोड़ा बहुत सर. पूछो क्वेश्चन. पूछो, कोई डाउट है? साउंड जा रही है सर. क्या साउंड मेरी ऑडिबल है आपको? हाँ ऑडिबल है. मैम आपने बताया था ना कैलोटाइप जो है वो मेल होता है, तो ऑलवेज ये नहीं होता. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी बोले. वो मेल होता है, वो मेल या फीमेल जो भी हो सकता है. जब हम लोग कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना तो वो बेस्ट स्पेसिमेन रखते हैं जिसमें वो सारा कैरेक्टर हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि होलोटाइप मेल ही होगा या फीमेल ही होगा, ऐसा नहीं है. जो बेस्ट है आउट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल सैंपल जो बेस्ट है वो होलोटाइप है. ओके. और लेक्टोटाइप मैम?
हमारे पास जब होलोटाइप नहीं है तो सारे स्पेसिमेन जितने भी स्पेसिमेन है वो सिन टाइप है, ठीक है? वो सिन टाइप में भी जब हम लोग सैम्पलिंग अलग अलग लोकेशन से किए हैं, अलग अलग तरीके से किए हैं, तो उसे सीरीज हम लोग बना के रखते हैं, ठीक है? उस सिन टाइप में से अलग लोकेलिटीज के लिए। हाँ बोलो। हेलो, मतलब हर लोकेलिटीज के लिए अलग अलग सीरीज, वो डिपेंड करता है। अगर विद इन लोकेलिटी भी तुमको चेंज है अलग अलग गियर वाइज, तो वो भी तुम्हारा अलग अलग सीरीज हो सकता है। वो डिपेंड करता है जो एक्सप्लेन कर रहा है ना, जो भी टैक्सोनॉमिक हो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो सीरीज बनाने के लिए कैसे प्रेफर कर रहा है। वीरेंद्र, थैंक यू मैम। आर्यन, मैम सिंटैक्टिक बता दीजिए ना, सिंटैक्टिक पर फिर से। यस सर, डाउट है पूछो। हेलो, देखो सिन टाइप है ना, तुम्हारे पास बहुत सारे स्पेसिमेन हैं, लेकिन तुम अभी तक किसी एक को मतलब ये नहीं की हो कि ये मेरा होलोटाइप है, मतलब तुम किसी एक को डेजिग्नेट नहीं की हो। बहुत सारे स्पेसिमेन रेडी हैं एक्सप्लेनेशन के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी तुम कैरेक्टर इनलिस्टेड की हो वो एक के बेसिस पे नहीं किया जाता है, उसमें कई सपोर्टिंग स्पेसिमेन होते हैं। तो जब तक हम लोग एक को डेजिग्नेट नहीं किए हैं कि ये हमारा होलोटाइप है, ठीक है, तब तक जितने भी स्पेसिमेन है वो सारे सिन टाइप है। समझ में आया? इसको ना तुम लोग जब भी इसको ये करोगे ना, तो एक बार में एक याद करने से थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब सबको आपस में कंपेयर करके करने से ना वो फिर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे इसमें क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप से रिलेटेड, वो सारे एक दूसरे जो टर्म्स है ना वो एक दूसरे क्वेश्चन के आंसर है कि इसको अगर ये बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे करके। मैम तो होलोटाइप और टोपोटाइप में फिर डिफरेंस ही क्या रहेगा दोनों का? और होलोटाइप और टोपोटाइप में देखो, होलोटाइप जब तुम्हारा होलोटाइप हो गया ना, उसके बाद ही तुम वर्ड टोपोटाइप यूज कर सकती हो। जब एक स्पीसीज को हम लोग बोल दिए, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के एक स्पीसीज को बोल दिए कि ये मेरा होलोटाइप है, उसके बाद उस लोकेलिटी के जितने स्पेसिमेन हुए उसको हम लोग बोलेंगे ये टोपोटाइप है। बिना होलोटाइप के टोपोटाइप वर्ड यूज ही नहीं कर सकते, है ना? ओके, बिना होलोटाइप के हम लोग सिन टाइप वर्ड बोल सकते हैं कि होलोटाइप नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं हाँ सिन टाइप है मेरे पास। लेकिन जब तक तुम्हारे पास होलोटाइप नहीं है, तुम ये नहीं बोल सकती हो कि टोपोटाइप है। जब एक बार होलोटाइप हो गया तभी उस लोकेलिटी वाले बाकी सब टोपोटाइप हो गए। ऐसे भी याद रखो ना, टोपोग्राफिकल होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो उससे याद रखो सेम टोपोग्राफी वाले। हेलो मैम। हाँ बोलो मैम। इज देयर एनी ड्रॉबैक ऑफ लॉ ऑफ प्रायोरिटी? लॉ ऑफ प्रायोरिटी में ऐसा कुछ ड्रॉबैक तो नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि किसी का नेम चेंज करना, मतलब yes, और किसी भी स्पीसीज का जब हम लोग रिवाइज करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, ये जीनस है, तो उसके सपोर्टिंग हम लोगों को बहुत डेटा चाहिए। मतलब इतना हमें स्ट्रांग होना है बाई कैरेक्टर, बाई फिगर, बाई फोटोग्राफी, कि वो पहले वाले जो भी स्पीसीज हैं, जो भी नेम है, उसको वो कैंसिल करने में एबल हो। yes, ma'am. ठीक है, वो हमको पता है, जैसे हम लोगों को पता था क्लेरियस बेट्रकस का नाम क्लेरियस मागुर रखना ज्यादा ये है, लेकिन हमें लगने से नहीं, हमारे पास का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब तक डॉक्यूमेंट नहीं है, जब तक वो थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं होगा, तब तक गलत ही चलेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। यस मैम, अंडरस्टूड, थैंक यू मैम। ओके क्लियर मैम। आर्यन, कौन पूछ रहा है? सर आकांक्षा, सर इसमें एक लाइन दे रखा है प्रिजर्वेशन में, लेस देन 10 सेंटीमीटर प्रिजर्व्ड इनटू 8% फॉर्मेलिन। मैम इसको एक बार इलैबोरेट करके बताइए। फिश का साइज अगर 10 सेंटीमीटर से छोटा है तो उस समय फॉर्मेलिन का कंसंट्रेशन 8% होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा कम होना चाहिए। 10% कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ ना फॉर्मेलिन का, ठीक है, तो अगर फिश छोटी है, क्योंकि वो क्या होता है ना, फॉर्मेलिन लीचिंग करता है स्किन का, जो उसका आउटर लेयर है ना उसका लीच आउट होता है, वो तो अगर छोटी फिश है तो 8% में ही प्रिजर्व करना है।
8 टू 10 इसीलिए रखा गया है, मैक्सिमम हम लोग 10 तक जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन छोटे केस में 8 करना है। अगर कितनी भी बड़ी फिश है इसका मतलब ये नहीं है 20-30 करेंगे, मैक्सिमम हमारे पास 10 ही है। क्वांटिटी बढ़ाना है, उसको इंजेक्शन से इंजेक्ट करो, कॉटन में डिप कर करके बॉडी के पार्ट्स में घुसाओ, वो सब है, लेकिन 10% से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कलर बहुत लीच आउट हो जाएंगे फिर। हेलो, हाँ बोलो। यस मैम, जैसे टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में क्लास ऑस्टियोकाइटिस दिया हुआ है तो उसका डिस्क्रिप्शन में बोनी फिशेस है, और फिर उसका इंफ्रा क्लास में ही टेलोस्टोई दिया हुआ और उसका भी डिस्क्रिप्शन में बोनी फिशेस है, तो मैम कैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे? ये क्या होता है ना कि ऑस्टियोकाइटिस है वो तुम्हारा हाईएस्ट क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद आगे तक जो भी जाएंगे बोनी फिशेस में भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है, तो ऑस्टियोकाइटिस में ये फिक्स हो गया कि ऑस्टियोकाइटिस के नीचे तुम किसी जीनियस को उठाओ, किसी ऑर्डर को उठाओ, किसी क्लास को उठाओ, किसी फिश को उठाओ, किसी भी टैक्सोनॉमिक लेवल पे वो सारे बोनी फिशेस ही होंगे, समझ गई? जैसे हम लोग फाइलम बोलते हैं एनिमल किंगडम, ठीक है, तो एक बार जो भी चीज अगर तुम किसी स्पीसीज को उठाओ, सब स्पीसीज को उठाओ, तो पक्का है वो एनिमल किंगडम के अंदर है, तो वो एनिमल ही है। तो जो हायर जो जनरा है ना, जो फर्स्ट होता है ना, जैसे कि ऑस्टियोकाइटिस तुम्हारा हायर हो गया कैटेगरी, मतलब हायर पोजीशन, तो वो बोनी फिक्स कर दिया, वो बोनी उसका मतलब ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो बोनी होता है कार्टिलेजिनस में, ये तुम्हारा कार्टिलेजिनस होता है, तो वो फिक्स हो गया, उसके अंदर अब कितना भी डिवीजन हो जाए कैरेक्टर बेसिस पे, इवोल्यूशन बेसिस पे, फाइलोजेनी बेसिस पे, वो फिक्स है कि वो बोनी फिक्स है। ओके मैम, बट ये जैसे उसका सब क्लास है एक्टिनोप्टेरिडी, तो रे फिश है, उसका डिस्क्रिप्शन में रे फिश है, तो फिर नहीं एक्टिनोप्टेरिडी वो जो रे फिश होता है ना, वो रे फिश का मतलब वो नहीं है, वो स्केट्स एंड रेज वाला रे नहीं है, वो होता है जो फिन होता है ना, फिश के फिन में तुम लोग देखते होगे कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट स्पाइंस होते हैं और कुछ एकदम बिल्कुल हार्ड स्पाइंस होते हैं, ठीक है, तो जो सॉफ्ट वाले जो स्पाइंस होते हैं ना उसको हम लोग रे बोलते हैं, वो एक्टिनोप्टेरिडी का रे है, वो रे स्केट्स रेज वो कार्टिलेजिनस फिश वाला रे नहीं है, वो तुम लोग आगे करोगे स्पाइंस और रेज जब हम लोग काउंट करते हैं ना, तुम देखना किसी किसी एकदम हार्ड ये होते स्पाइंस, उसको स्पाइंस बोलते हैं, जो सॉफ्ट वाले स्पाइंस होते हैं उसको रे बोलते हैं, ये वो रे है। थैंक यू मैम। ओके, और कोई डाउट? आर्यन? हाँ भाग्य आर्यन। वीरेंद्र? नो सर। हेलो, हाँ वीरेंद्र, हेलो सर। नहीं, हाँ कोई डाउट नहीं। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो एंड करते हैं। कोई पूछना चाह रही है? यस सर, सिनोनिम और होमोनिम्स में डिफरेंस क्या है मैम? देखो, सिनोनिम्स में होता है तुम्हारा कि मेनली सेम स्पीसीज होता है। यस मैम, ठीक है, और उसमें तुम्हारा सेम स्पीसीज है और उसमें तुम्हारा डिफरेंट नेम होता है। सेम स्पीसीज डिफरेंट नेम, उसमें ये होता है। हाइपियुरल प्लेट क्या है मैम? बैकबोन को बोलेंगे। बैकबोन में क्या होता है ना, लास्ट वर्टिब्रल कॉलम फ्यूज हो जाते हैं, कुछ जो लास्ट बैक पोर्शन होता है ना। यस मैम, वो फ्यूज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लूरल प्लेट। अच्छा, बैकबोन। ओके, तो क्लियर है सब? यस सर। चलो ठीक है, और कोई टॉपिक चाहिए टैक्सोनॉमी का तो बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर से लेक्चर हो जाएगा। अगर हो भी गया होगा और अच्छा लगा है तो फिर आप बताना, सुन लो तो वो हम टॉपिक करवा देंगे। ठीक है, सॉइल वाटर का बता देना। ठीक है, मॉलिक्यूलर का तो मैडम पढ़ाएगी, तो देख लो इसमें ऊपर क्लासिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी का सर जो भी था, मतलब कैरियोटाइपिंग वगैरह सर एक बार लेक्चर चाहिए, मतलब करवा देना है। जितने भी उसमें टैक्सोनॉमिक टूल्स आना, कैरियोटाइपिंग, डीएनए, डीएनए बारकोडिंग वगैरह। ओह
एक्चुअली मेनली जो बीएसएस टैक्सोनॉमी मेन है, ठीक है, क्योंकि वो तुम लोग इजी वे में समझ सकते हो, इसीलिए ज्यादा फोकस इस पर करो, ऐसे क्लास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहना है कि ये बेसिकली जो बीएससी लेवल का है वो क्लासिकल टेक्नोलॉजी। ओके सर, एक लाइन बता देते हैं। इसलिए क्या होता है ना कि किसी भी सेट के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मान लो 22 पेयर है, 20 पेयर है, 50 पेयर है, व्हाटएवर, हम लोग सारे क्रोमोसोम को आइसोलेट करते हैं, उसको फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ऐसे करके हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें जो सेंट्रोमियर होता है ना, जहाँ से दो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग उसमें बहुत सारे वर्ड है, एक्रोमियर, टियोमियर, एपिलोमियर, ऐसे करके हम लोग अलग अलग क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं कि इस टाइप के इतने, इस टाइप के इतने हैं, या फिर उसमें ये होता है जो भी क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो दो चार आर्म्स हुए वो इक्वल आर्म्स नहीं होते हैं, वो छोटे बड़े होते हैं, तो किस हिसाब से उनका रेशियो है, मतलब जो बड़ा वाला आर्म छोटे वाले आर्म के कितने प्रोपोर्शन में आ रहा है, ये हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब कि इसमें मेनली जो होता है वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है कैरियोटाइपिंग, और ये सेम है जो ह्यूमन में कैरियोटाइपिंग किया जाता है, जो तुम लोग जेनेटिक्स में पढ़े होगे 10th स्टैंडर्ड में, ये एग्जैक्ट फिश के कैरियोटाइपिंग से सेम है। चलो फिर ठीक है। हेलो हेलो, प्यूरिफाई करते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से रन करते हैं, उसमें हम लोगों को बैंड मिलता है, फिर उसके बेसिस पे हम लोग फिश को, मतलब उसका सीक्वेंस ये है, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, या तो वो फिश का ऑलरेडी सीक्वेंस है पहले से, तो हम लोग मैच करा के कंफर्म कर लेते हैं कि ठीक है मेरा उसके सीक्वेंस से मैच हो रहा है, तो ये फिश वही स्पीसीज है। लेकिन बहुत बार होता है कि वो फिश कोई स्टडी नहीं किया है, उसका सीक्वेंस कोई सबमिट नहीं किया है, तो हम लोग उसको फर्स्ट टाइम सबमिट करते हैं कि मेरे इस स्पीसीज का सीक्वेंस ये आया है, इसका सीक्वेंस ये है, ये होता है जीन मैपिंग में। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जनरली अगार जेल या बहुत सारे कोई भी इसका बेस हो सकता है, इसमें हम लोग डिफरेंट प्रोटीन्स को, मतलब प्रोटीन जो कंपोनेंट होता है उसमें प्यूरिफाई करके, बहुत तरीके से, बहुत सॉल्यूशन यूज करके, एक्सट्रैक्ट करके, हम लोग ये जो अगार होता है उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा के हम लोग प्रोटीन्स को रन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बैंड आता है उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि ये फिश कौन सी स्पीसीज हो सकती है। और जो प्रोटीन का सोर्स अगर हम लोगों को लेना है, तो उस केस में हम लोग मसल मायोजन लेते हैं, जैसे हुए बहुत सारे प्रोटीन होते हैं ना, उसका एक कंपोनेंट है, मतलब मायोजिन एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, नहीं तो आई लेंस प्रोटीन ले सकते हैं। और ये सब प्रोटीन सोर्स इसलिए लिए गए हैं क्योंकि इसमें विद द एज, विद द लोकेलिटी चेंजेस नहीं है, इसीलिए ये सब प्रोटीन सोर्स यूज किए जाते हैं, तो यही है। लेकिन ये तीनों जो है ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी का पार्ट है, तो आजकल बहुत लोग डायरेक्ट मॉडर्न टैक्सोनॉमी करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। कभी भी मॉडर्न टैक्सोनॉमी करना है तो हम लोगों को क्लासिकल टूल्स करने के बाद ही करना चाहिए। चलो फिर ठीक है, एंड करते हैं अब। हाँ हाँ ठीक है, ओके ठीक है, यस सर, थैंक यू मैम।